जी मुखी जी। बोल बोल के इतना परेशान किया, अब कान बजने लगे। ऐसा लग रहा है अब भी वो बुला रही। मुखी जी भंडार घर से चावल की बोरियां निकालनी है। जा 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 निकल के ला। अरे सांभर सांभर ऊपर नामिश। ए उमा वो भंडार घर से चावल की बोरियां लेके आ रहा हूं। उमा आ राजे क्या गए हो? उठा भाई तो वो भंडारे के कमरे में गए हैं चावल की बोरियां निकलवाने। राजे वहां पहुंच गया तो सब काम बिगड़ जाएगा। राजे मिश्री कोई आओ जल्दी। राजे कहाँ जा रहा है? ये भंडार घर चावल की बोरी ले। अरे तू मुखी है, तू चावल निकालेगा? तू जा मेहमानों का ध्यान रख, मैं करती हूँ ये सब। गौरानी की आवाज है ना? अरे मजाक कर रही होगी, वो तो सुबह से मजाक कर रही है ना तेरे साथ। परेशान तो कर रही है मुझे। क्या हुआ राजे? अरे राजे पानी और रेत लेके आजा। ये सब क्या? रामी मुंह मत देख, बदल देके आजा। हाँ, अरे जल्दी लाओ आग लग गई है। मुखी जी यहाँ। मुझे लगा तुम मुझे परेशान कर रही है। और मुझे कुछ हो जाता तो मुझे आग से कितना डर लगता है। चल देख आग बढ़ रही है, चल। नहीं मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना था, तो फिर आएगी वो भी नहीं आएगी। अरु उतार दीजिए। अरु
ये आग कैसे लगी? मैं वही जानना चाहता हूँ, ये आग लगी कैसे? तू यहाँ क्या कर रही थी? शराबी को कुछ शगुन का सामान निकालना था, तो इसलिए मैं यहाँ आई थी। शराबी, ये क्या बोल रही? वो मैं। अरे बोल। अरे तू इससे क्या पूछ रहा है? इसे क्या मालूम आग कैसे लगी? अब छोड़ ना, सब ठीक है ने? देख, उसके दीप के माँ बाप भी यहीं पे हैं। अभी ज्यादा तमाशा मत करो, चुप रहो सब। सब ठीक है ने? चलो सब नीचे चलो। रामी घर में आग लगी, जानना जरूरी है ने? आप शराबी को क्यों पूछ रहे? मैं बताती हूँ, कमरे में लाइट नहीं थी, फ्यूज उड़ गया था। वो तो बेचारी लालटेन जला रही थी, तो लालटेन से ही आग लग गई होगी। ऐसा हुआ था क्या? कोई बात नहीं, तू ठीक है ना अरु? अगर कोई समय पे आ जाता तो शायद आग फैलती भी नहीं और मेरा हाथ भी नहीं जलता। जल रहे हैं, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को बुला सकते हैं। देख, हमारी बात ध्यान से संभाल। ये बर्फ तो लगाना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर हल्दी का लेप लगाएगी तो अंदर से घाव भरे। कोई जरूरत नहीं है, मैंने 100 बार आवाज लगाई मुखी जी, लेकिन आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मदद की जरूरत थी तब तो आई नहीं, अब हम दर्दी जताने आ रहे हो। इंसानियत के नाते भी आप मदद कर सकते थे ना, पर नहीं। अब ये हल्दी चंदन का लेप लेकर पति बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भड़कू नहीं तो क्या करूं? मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छी भली अरु पहुंच गई थी भंडार घर में, अगर 2 मिनट देर से आता राजे तो सब कुछ वैसे हो जाता जैसा हमने सोचा था। शराबी कहीं अपना मुंह ना खोल दे, वरना तू जो अरु को यहाँ से चलता करने की सोच रही है ना, कहीं खुद ही चलता ना हो जाए। तू मूर्ख समझता है मुझे? देखना कल क्या होता है। ठीक है, कल जब आएगी तब बताना। कल मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, अभी थोड़े दिन हमें मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। लोग जिसे मेरा पति कहते हैं वो शहर से वापस आ चुका है। ए, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हूँ, और तू ही मुझसे दूर रहने की बात कर रही है? हाँ, तुझसे तो मैं एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन हमें सोच समझ के चलना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि तू इस हवेली में, इस कमरे में, तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, समझता है ना? मारी बात समझ। लाल जी से समझे ही तो नहीं जाता है। और तू अरु की चिंता मत कर, इतने बड़े हादसे के बाद अब वो कुछ दिन तक तो शांत बैठेगी, और तब तक मेरा अगला तीर चल चुका होगा। मदद की जरूरत थी तब तो आई नहीं, अब हम दर्दी जताने आ रहे हो।
भी गुस्सा है? गुस्सा निकाल दे, जो भी मन में है ना बोल दे, कुछ भी अंदर मत रख, जितना बोलना है बोल, गुस्सा निकालना है निकाल, मैं सुन लूंगा, गाली भी देना है तो दे, बोल बोल। दुखी मुखी मूछ वाले अंकल, अब समझते क्या आपने आपको? मैं मजबूर हूँ आपके सहारे, उस टाइम जो भी बोलेंगे मैं चुपचाप सुन लूंगी, इतनी अकड़ है आप में, मैं आपका नाम चीखती रही, आपको सुनाई दिया और फिर भी नहीं आया, अब मुझे क्या जिम्मेदार बोलते हैं? हर गलत चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते, ये गलत हुआ तो और वो गलत हुआ तो और आप, आपकी गलती कौन बताएगा आपको? हाँ मैं बताऊंगी, अब गलत है, अकड़ू है, सड़ू है, सर भी रहे, घमंडी है, उल्लू के चार दिन बाद जब चली जाओगी ना, तब आपको याद आएगी कि अरु कितनी अच्छी थी। मन हल्का हुआ? वो क्या है ना, अगर ये गुस्सा अपने मन में रखेगी तो बुरे सपने आएंगे, अब अच्छे सपने आएंगे, सो जा। बधाई हो आपको। गरबे का रिवाज इसीलिए बनाए कि दो परिवार एक दूसरे से मिले, नाचे गाए, खुशियाँ बांटे, दोस्ती बढ़ाए। हाँ दोस्ती तो पहले से ही बढ़ गई है, हमारा दीप हमारा कम और आप लोगों का ज्यादा हो गया है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अरे सुना कल कुछ हादसा हो गया, तुम्हारा हाथ भी जल गया, कैसा है अब? ठीक है, वो कल हल्दी चंदन का लेप लगा लिया था। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही गहरी आई हुई है, पता है इसका मतलब क्या होता है? तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है।
मिश्री, देख इसके हाथ को लगा है ना, रेवा दिया। हाँ मैं गरबा नहीं कर सकती। हाँ ए अरु, मेरे खातिर मैं चली जाऊंगी ना फिर बाद में, प्लीज। ब्रेसलेट की बात हुई भाई से? अरे नहीं, समय नहीं मिला। इससे पहले कि समय निकल जाए ब्रेसलेट मांग ले। मेरा मूड बिगड़ गया तो मिश्री का लगन बिगाड़ दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.